गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम पाठ्यपुस्तक के प्रश्न अभ्यास, पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। सो ध्यान से देखें, पाठ्यपुस्तक के प्रश्न अभ्यास प्रश्न नंबर एक, पेज नंबर 188। पेज नंबर 188 पर देखें, थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भीख मंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका, क्यों? पहला प्रश्न है आपका, इसका आंसर इसी में दे रखा है आपको। इसी के अंदर से ये आंसर तिब्बत से लेकर सका तक करना है। तिब्बत से लेकर यहाँ तक समय का अभाव है, जिसके कारण मैं पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जो मुझे अच्छा, उचित और आपके लिए अच्छा है, आपके लिए जो आंसर सही है, मैं उसी पर टिक लगाऊँगा। तो पहला करना है, इसका आंसर तिब्बत से लेकर सका तक आपको कंप्लीट करना। दूसरा देखें, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको याद करना, इससे हमें नई जानकारी मिलेगी। सन 1929 से लेकर आपको ये यहाँ तक करना है, था तक। ये अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट सेकेंड आपको क्लियर करना। देखें आप थर्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन है, लेखक लण कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया? इसके दोनों ही पॉइंट आपको करने हैं। आप लेखक से लेकर आना पड़ा यहाँ तक करें। फोर्थ वाला देखें, लेखक ने शेखर विहार में सुमती को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? फोर्थ वाला भी हमारे ज्ञानप्रद हैं, इसको पूरा करें। फिफ्थ वाला, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को पहली बार डांडा थोड़ला पार करते समय विकट परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मार्ग पर डकैती के भय से भीख मंगे का वेश धारण करना पड़ा। यहीं से लणकोर जाने वाले मार्ग पर वह गलती से भटक गया। दूसरी बार तिड़री के विशाल मैदान में उसे बहुत तेज के कारण परेशानी उठानी पड़ी। पाँचवा भी करें आप अच्छे से। छठा जो है हमारा, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। तो ध्यान दें, तिब्बत का प्रदेश विभिन्न जागीरों में बटा हुआ था। तिब्बत का जो प्रदेश था वह विभिन्न जागीरों में बटा था। अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन थी। मठ का मतलब होता था जहाँ साधु संन्यासी रहते, तपस्या करते। जागीरों के मालिक खेती की व्यवस्था अपने आप करवाते। खेती करने के लिए उन्हें बेगार में मजदूर मिल जाते थे। सारी व्यवस्था की देखभाल एक भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा की तरह सम्मान पाता। तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि की कुप्रथाएँ नहीं थी। आपको छः तक करने हैं। सातवां, मैं अब पुस्तकों के भीतर था का अर्थ ये होगा क वाला सही है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। ये आपका सातवां है। इसी तरह से हमें आठवां भी करना है, नवां आपको नहीं करना है, टेंथ आपको करना है। ध्यान दें, पेज नंबर 189 पर, यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? टेंथ वाला करना है, अच्छे से आप समझें इसको। देखें इसका, तिब्बत पहाड़ी देश है या समुद्र तट से 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके मार्ग ऊंचे नीचे निर्जन है। पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक सूने बिहड़ है। यहाँ मीलों मील तक कोई बस्ती नहीं होती है। एक ओर हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई पड़ती है, दूसरी ओर ऊँचे ऊँचे नंगे पहाड़ खड़े हैं। हमारा शहर राज्य मैदानी भाग में, यहाँ आबादी अधिक है, सुख सुविधाओं के साधन बहुतायात में है। इसी तरह से आपने किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत कीजिए। आप
ने अपने जीवन में जो यात्रा की है, अपनी स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, रिलीजियस हो, ऐतिहासिक हो, धार्मिक हो, जैसी भी हो अपनी यात्रा, आप लिख सकते हो 11वां में। अच्छा क्वेश्चन है। बारवां नहीं करना है आपको, 12वां कट कर दें, मैंने भी कट कर दिया है। उसके बाद में बस यहीं तक आपको करना है और ये आपका अध्याय 2 कंप्लीट। सो स्टूडेंट अच्छे से अपनी कॉपी में करें, रिफ्रेशर में देखें और कॉपी में इसको अपने रिफ्रेशर से अच्छी तरह से करें। सो थैंक्स, धन्यवाद।